नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। एक हिंदी की फटाफट सीरीज आप लोगों के सामने पहले हाजिर हूं और यह एक प्रश्न आपका 100% इसमें एक से तीन प्रश्न आप मान के चलिए कि पूछा ही पूछा जाएगा। वो है आपका टॉपिक रचना एवं रचनाकार। तो शुरू करते हैं अपनी परिचर्चा और देखते हैं आज के प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि वरदान किसकी रचना मिलती है। वरदान की जब हम बात करते हैं, आप सारे लोग जानते हैं कि वरदान जो रचना है, यह रचना किसकी होती है? यह रचना होती है मुंशी प्रेमचंद की। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है विजक किसकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। विजक की जब हम बात करते हैं, कबीरदास की रचनाओं का संग्रह मिलता है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन होते हैं। अंधेर नगरी लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। चौथा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है कि कामायनी के रचनाकार कौन है। आप सारे लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद की कृति होती है। पांचवा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी, इसका नाम क्या होता है उपन्यासकार का? तो जब हम बात करते हैं किसकी, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की, तो वो उपन्यासकार होते हैं। अगला प्रश्न पूछा है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं। आप सारे लोग जानते हैं कि 7 कांड की जब हम बात करते हैं तो रामचरितमानस में आपको 7 कांड देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो इनमें से जब हम बात करते हैं कि कौन सी रचना, यामा महादेवी वर्मा की रचना होती है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। बहुत बार प्रश्न आपसे पूछा है तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा की इसमें से मिलती है। तो जब महादेवी वर्मा की हम बात करते हैं, निहार जो कृति है यह महादेवी वर्मा की है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जयद्रथ व्रत की रचना किसने की है। तो जयद्रथ जब हम व्रत की बात करते हैं, मैथिली शरण गुप्त की रचना मिलती है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना होती है। अतीत के चलचित्र की बात करते हैं, महादेवी वर्मा की कृति होती है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है रामचरितमानस में सोपानों की संख्या कितनी है। तो अभी मैंने बताया कि 7 सोपान इसमें मिलते हैं, 7 कांड मिलते हैं। फिर प्रश्न पूछा है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। कठिन काव्य के प्रेत की जब हम बात करते हैं तो यह केशव को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे 14 नंबर कह रहा है कि आधुनिक युग की मीरा किसे माना जाता है। आधुनिक युग की मीरा की अगर मैं बात करूं तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 15 नंबर की सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम होता है। सितारे हिंद की बात करें, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद इनका पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? रानी केतकी की कहानी के कहानीकार कौन होते हैं। इंसा अल्लाह खान इस कहानी के कहानीकार होते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 17 नंबर कह रहा है आंसू किसका प्रमुख महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद की रचना होती है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतेंदु युग की समय सीमा कितनी होती है। भारतेंदु युग की जब हम बात करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, 1850 से लेकर के 1900 तक। उसके अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि हिंदी रेखा चित्र का विकास कब से माना जाता है, कब के बाद माना जाता है। 1936 के बाद माना जाता है। यह चीज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के जो है समर्थ प्रवक्ता किनको मानते हैं। डॉक्टर राम विलास शर्मा को मानते हैं, यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि अंग्रेजी के रोमान जो है टिकिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या होता है। तो स्वच्छंदतावाद इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्वच्छंदतावाद कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अगला प्रश्न कह रहा है रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन किसका होता है। तो यह जो कथन होता है यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? हरिमन जो है सुआ का उल्लेख कहां आता है। जो पद्मावत पढ़ते हैं उसी में सुल्लेख जो है इसका उल्लेख होता है, हरिमन सुआ का। सुआ मतलब तोता, सुगा। जब हम बात करते हैं कि इसकी सूरदास के बारे में पूछा है, सूरदास के गुरु कौन थे, आप सारे लोग जानते हैं वल्लभाचार्य जी सूरदास के गुरु होते हैं। अगला प्रश्न आपसे 25 नंबर कह रहा है बरिया बीती बल गया अश बुरा कमाया हरि जिन छाड़ो हाथ थे तीन दिन नेड़ा आया। इस पंक्ति के रचनाकार कौन होते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ये पंक्ति कबीरदास की होती है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा? अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या होता है। बहुत बार प्रश्न आया है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती थी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा? अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि गबन किसकी जो है रचना होती। सारे लोग जानते हैं मुंशी प्रेमचंद की रचना होती है गबन गोदान। अगला प्रश्न पूछा है कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है मृगनयनी उपन्यास किस लेखक से संबंधित होता है। सारे लोग जानते हैं वृंदावन जो है वृंदावन लाल वर्मा की बात करते हैं तो इनसे समृद्ध होती है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत किस लेखक की रचना होती है। तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, यह रचना होती है नरेंद्र कोहली की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। तो इनमें से जब हम बात करते हैं विशेष तौर पर तो चंद्रकांता रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं होती है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। इनमें से जब हम बात करते हैं भाई कर्मभूमि मिलती है जिसके जो है उपन्यासकार कौन होते हैं।
प्रेमचंद्र जी होते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भारत की खोज किसकी कृति होती है, जब भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की कृति होती है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है रश्मि रथी के रचयिता कौन होते हैं, आप सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं रामधारी सिंह की कृति होती है रश्मि रथी। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति होती है, आचार्य तुलसी की कृति होती है अग्नि परीक्षा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा, अगला प्रश्न आपसे कह रहा आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसको दी गई है, फणीश्वरनाथ रेणु को यह संज्ञा दी जाती है। 37 नंबर आपसे कह रहा है कि जो है सीए राम मैं सब जल जानी, ठीक है सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी, ये गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति में यह रचना मिलती है, तो दोहाल वली में यह कृति आपकी रचना मिलती है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने का कारण, आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है, मतलब प्रश्न आपसे पूछा है तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है, तो बिना दीवारों का जो घर है यह आपकी नाटक होती है, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है, तो यह होती है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की कृति होती है, यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे 41 पूछ रहा है कि माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है, माटी की मूर्ति जो मिलती है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना होती है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि हुई वीरता की किसके साथ सगाई झांसी में, सुभद्रा कुमार चौहान की इस पंक्ति को आपको देखना है, तो जब हम इसकी बात करते हैं यह आपको वैभव में मिलती है ये कृतियां, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है 43 नंबर की हरिशंकर परसाई जी किस तरह की जो है साहित्य के लिए जाने जाते हैं, परसाई जी की जब हम बात करते हैं तो बेंग, ठीक है इनके बेंग बहुत ज्यादा चलते थे, इनकी सारी कृतियां बेंग में हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा भक्तिन, ठीक है का प्रसिद्ध कौन सा रेखा चित्र है, तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं किसकी, सुभद्रा जो है महादेवी वर्मा की एक संस्मरण होता है, ठीक है भक्तिन। अगला प्रश्न आपसे 45 नंबर पूछा है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, हिम तरंगनी के लिए दिया गया था, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी होती है, पहली कहानी जब हम बात करते हैं तो ग्राम होती है जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय इनका वास्तविक नाम होता है, यह ध्यान रखिएगा। अगला आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि अमृत और बिस किसकी रचना होती है, अमृतलाल नागर की रचना होती है अमृत और बिस। उसके बाद आपसे क्या पूछा, अगला प्रश्न आपसे 49 पूछ रहा है कि बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन होते हैं, तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा प्राण कुमार शर्मा होते हैं। अगला आपसे 50 नंबर पूछा है कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन होते हैं, तो श्याम नारायण पांडे की जब हम बात करते हैं हल्दी घाटी के रचनाकार होते हैं। इसमें पार्ट टू लेकर के बहुत जल्द आपको मिलूंगा, फटाफट देख लीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट लिखना ना भूलिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।